नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आधुनिक भारत का इतिहास जो मैंने शुरू किया था, उसमें जो यूरोपियों का भारतीय आगमन शीर्षक के बारे में जो जानकारी मैं आपको दे रहा था, उसमें पुर्तगालियों में मैंने आपको अल्बुकर्क तक जानकारी दे दी थी। अल्बुकर्क के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्बुकर्क के बारे में मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। आज हम बाकी के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें नुनोद कुन्हा 1529 से 38 तक इसका शासन है। तो इस नुनोद कुन्हा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नुनोद कुन्हा, जिसे अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर, तो इसे अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क के बाद द्वितीय स्थान पर महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नुनोद कुन्हा को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1529 से 38 तक का है। नुनोद कुन्हा ने भारत में 1529 में भारत में कार्यभार ग्रहण किया था। याद रखिएगा कि नुनोद कुन्हा ने भारत में 1529 में कार्यभार ग्रहण किया था। देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि मुगल साम्राज्य हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच, ठीक है, तो उस समय भारत में जितने भी जो छुटपुट राज्य थे और जो केंद्रीय नेतृत्व मुगल साम्राज्य का था, उसके बीच छुटपुट संघर्ष चलते रहते थे। इसी संघर्ष का लाभ उठाकर मुगल सम्राट हुमायूं व गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष चल रहा था और नुनोद कुन्हा ने उस संघर्ष को देखा और उस संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा कि 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नुनोद कुन्हा ने एक कदम उठाया। जो नुनोद कुन्हा से पूर्व पुर्तगालियों का जो राज्य शासन का मुख्य केंद्र कोचीन था, यानी कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन नुनोद कुन्हा ने अपने शासनकाल के दौरान कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया और जो कि बाद में उनका शासन का मुख्य केंद्र हो गया। याद रखिएगा कि 1530 में नुनोद कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, जो कि बाद में उनका शासन का मुख्य केंद्र हो गया। अगला पॉइंट देखिए, सेंट थोमा जो वर्तमान में मद्रास है, हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, और दीव जो कि काठियावाड़ जिसे कहते हैं एक दूसरे नाम, तो काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी नुनोद कुन्हा के द्वारा की गई थी। तो नुनोद कुन्हा के द्वारा सेंट थोमा यानी मद्रास में, हुगली यानी बंगाल में, और दीव यानी काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये था नुनोद कुन्हा।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था गासिया द नोरोन्हा, गासिया द नोरोन्हा। इसका शासनकाल 1538 के करीब था। तो गासिया द नोरोन्हा ने दमन, सॉलसेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में पुर्तगाली केंद्रों की स्थापना की थी। याद रखिएगा, दमन, सॉलसेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में पुर्तगाली केंद्रों की स्थापना की थी। सीलोन जो श्रीलंका का, श्रीलंका का तात्कालीन नाम था, जिसको श्रीलंका का पुराना नाम था, वर्तमान में जिसे श्रीलंका कहा जाता है, के अधिकांश भागों पर गासिया द नोरोन्हा के काल में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। सीलोन ने श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया। दमन उस समय एक शक्तिशाली क्षेत्र था, तो 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया। और उस समय पुर्तगालियों के पास 50 दुर्ग व 100 जहाजों का बेड़ा था। ठीक है, तो 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया। इनके दमन के पास, इनके पास 50 दुर्ग और 100 जहाजों का बेड़ा था, जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, जो कि पुर्तगाली सेना में शामिल हो गया। उसके बाद आते हैं कि जो बाद के शासक हैं वो उतने योग्य शासक नहीं रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण शासक है उनका परिचय मैंने यहां संक्षिप्त में दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये पुर्तगालियों के शासनकाल के, उनको मैं यहां आपके सामने इनका परिचय मैं आपको दे रहा हूं। 1600 ईस्वी में वह इसके बाद, देखिए 1600 ईस्वी के दौरान जिस समय अंग्रेज भारत आए, कुछ दिनों बाद फिर फ्रांसीसी आए, बीच में डच आए और डेनिश के लोग भी थे, तो 1600 ईस्वी वह इसके बाद अन्य यूरोपीय कंपनियों का हिंद महासागर में आना हुआ, क्योंकि भारत आने के लिए हिंद महासागर के रास्ते का ही प्रयोग करते थे, तो हिंद महासागर से होते हुए भारत आने लगे और हिंद महासागर में अन्य यूरोपीय कंपनियों और अन्य यूरोपीय वासियों के आने के कारण इनका पुर्तगालियों से सामना हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों का उस समय हिंद महासागर पर कब्जा था, तो इनका पुर्तगालियों से सामना हुआ और संघर्ष हुआ और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हो गई, क्योंकि इन अन्य यूरोपीय कंपनियों का भी भारत में आने का उद्देश्य व्यापार करना ही था, और तो जाहिर है कि वहां पहले से व्यापार कर रहे पुर्तगालियों के साथ इनका इनकी प्रतिस्पर्धा होनी ही थी। अगला पॉइंट है, 1580 ईस्वी में पुर्तगालियों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया, मतलब कि स्पेन में मर्ज हो गया, स्पेन के अधीन हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। पहले पुर्तगाल और स्पेन अलग अलग देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1580 में पुर्तगाल स्पेन के अधीन हो गया और उसमें मर्ज हो गया, अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, जिसका प्रभाव उनके भारतीय राज्यों पर भी पड़ा। अपनी स्वतंत्रता खो जाने के कारण सारी बागडोर स्पेन के हाथ में आ गई, तो स्पेन के द्वारा ही भारतीय राज्यों के प्रशासन की नीतियां भी निर्धारित की जाने लगी, जिसका परिणाम भारत में पुर्तगालियों के पतनोन्मुख होने का
प्रमुख कारण था। पुर्तगालियों के इसके बाद जब ये नीतियां स्पेन के द्वारा निर्धारित की जाने लगी और पुर्तगाल अपना अस्तित्व खो बैठा, स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठा, उसके बाद पुर्तगालियों की उसका प्रभाव पुर्तगालियों के भारतीय साम्राज्य पर पड़ा, जिसके कारण उनकी नीतियों में कुछ परिवर्तन हुए और वे परिवर्तन नकारात्मक थे। पुर्तगालियों के अनेक सैनिक पराजय हुए, इसका कारण क्या था? इन अनेक सैनिक पराजयों का कारण भी लगभग वही था कि स्पेन के अधीन हो जाना। अनेक सैनिक पराजय भारत में हुई। 1596 ईस्वी में डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद पुर्तगालियों को यहां से बाहर कर, देखिए 1596 में डच आए दक्षिण पूर्व एशिया में, वे अधिक प्रभावशाली थे, तो उन्होंने संघर्ष में जो पुर्तगाली थे उनको 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों का राज्य समाप्त हो गया, उनका प्रभाव कम हो गया। डचों द्वारा, अगला पॉइंट है, 1641 में मलक्का दुर्ग जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, 1658 ईस्वी में श्रीलंका वो भी पुर्तगालियों के अधीन था, और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को जीत लिया। किनसे? पुर्तगालियों से, क्योंकि डच उस समय पुर्तगालियों से अधिक प्रभावशाली थे। तो 1641 में डचों ने मलक्का दुर्ग, 1658 में श्रीलंका और 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को पुर्तगालियों से जीत लिया। अगला पॉइंट है 1612 ईस्वी में, अब देखिए यहां अंग्रेज भी आते हैं, अंग्रेजों से भी पुर्तगालियों के संघर्ष हुए। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों की सूरत में पराजय हुई और तथा अंग्रेजों द्वारा सूरत में कारखाने की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1612 में अंग्रेजों द्वारा भी पुर्तगालियों की पराजय हुई, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया और सूरत में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद वहां अपनी एक फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 1622 में अंग्रेजों द्वारा फारसी सेना की सहायता से, देखिए उन्होंने फारसी सेना की सहायता ली और 1622 ईस्वी में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को होर्मुज में भी हराया। तो यहां पर पुर्तगालियों की पराजय हुई अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें अंग्रेजों ने फारसियों से मदद ली थी और फारसियों की सहायता से पुर्तगालियों को उन्होंने पराजित किया। तो यहां पर पुर्तगालियों की फिर से 1622 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पराजय हुई। अगला पॉइंट है 1632 में, अब देखिए यहां पर मुगल भी आ रहे हैं, सभी से ये चारों तरफ सभी से जब पुर्तगाली पराजित होने लगे एक के बाद एक, तब उनके राज्य का ह्रास होता चला गया। तो यहां पर 1632 में शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां के सिपहसालार कासिम खां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। ठीक, जहां पुर्तगालियों का राज्य स्थापित था, पुर्तगालियों के जो अधीन था, वह मुगल सम्राट शाहजहां के सिपहसालार कासिम खां द्वारा उनसे छीन लिया गया, हुगली उनसे छीन लिया गया 1632 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में मराठों ने उनसे सॉल्सेट और बेसी छीन लिया। यहां पर आप मराठे भी उनसे संघर्ष रख गए। तो 1639 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसी को छीन लिया। ध्यान दीजिएगा 1639 यानी 1639 में मराठों ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसिन के क्षेत्र भी छीन लिए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों के राज्य में ह्रास होता चला जा रहा है।
1661 ईस्वी में, यह पॉइंट जरा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, 1661 ईस्वी में तात्कालीन ब्रिटिश सम्राट, उस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे, चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया गया, और इस विवाह करने पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई द्वीप दहेज में दी, जो कि एकमात्र महत्वपूर्ण द्वीप उनके पास बचा था, वो 1661 ईस्वी में तात्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने मुंबई का द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। तो इस प्रकार लगभग जो सभी महत्वपूर्ण स्थान थे, महत्वपूर्ण क्षेत्र जो पुर्तगाली राज्य के थे, वे पुर्तगालियों के हाथ से जाते रहे। अब देखिए पुर्तगालियों का पतन, देखिए पुर्तगालियों का पतन के कई कारण थे, भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय और मुगल साम्राज्य का विस्तार व डच अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय। देखिए भ्रष्ट शासन था, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी, और धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, और पुर्तगाल का स्पेन के अधीन हो जाना, मुगल सम्राटों से संघर्ष और मराठों से संघर्ष, और उसके बाद अन्य जो प्रतिस्पर्धी थे, जो अन्य व्यापारिक कंपनियां थी, वैसे प्रतिद्वंदियों का उदय हुआ, जैसे डच हैं, अंग्रेज हैं, तो इनके सामने पुर्तगालियों का ह्रास होता चला गया, क्योंकि वह इनसे संघर्षरत नहीं रह सके। तो इनके कारण पुर्तगालियों के राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि वे इस संघर्ष में असफल रहे और उनका राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके कारण इनकी कई पराजयें हुई, और पराजयों के कारण इनके अधिकृत क्षेत्र इनसे छिनते चले गए और पुर्तगाली मैदान छोड़ते चले गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आखिरी महत्वपूर्ण द्वीप जो मैंने यहां बताया, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आखिरी महत्वपूर्ण द्वीप जो कि बंबई था, जिसे वर्तमान में अब मुंबई राज्य से संबंधित है, तो जो आखिरी महत्वपूर्ण बंबई था, वह इन्होंने ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने यह महत्वपूर्ण द्वीप अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद इनका राज्य कुछ ही द्वीपों तक सीमित रह गया और एक शक्ति के रूप में इनका अंत हुआ। एक शक्ति, एक स्थायी शक्ति, एक शक्ति के रूप में, जिसे एक राज्य कहा जा सकता है, उसके रूप में पुर्तगालियों का अंत हो गया, पुर्तगाली राज्य का पतन हो गया। लेकिन उनके कुछ छुटपुट द्वीपों पर उपनिवेश के रूप में राज्य रहे, जो कि जैसे गोवा, दमन और दीव पर, जो कि उपनिवेश के रूप में रहे, पुर्तगाली 1961 तक शासन करते रहे, 1961 तक, याद रखिएगा 1961 तक ये शासन करते रहे। बाद में 1961 के बाद भारत द्वारा समझौते के द्वारा और कूटनीति के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय नीति के द्वारा इन द्वीपों को अपने राज्य भारत में मिला लिया और ये द्वीप भारत में सम्मिलित हो गए। तो ये है पुर्तगाली साम्राज्य जो मैंने आपको बताया, एक बार हल्का सा रिकॉल कर लीजिए। नुनोद कुन्हा 1529 से 1538 अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर, 1529 में कार्यभार ग्रहण, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बीच
संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार, 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया शासन का मुख्य केंद्र, और सैंथमा मद्रास हुगली बंगाल दीव काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। उसके बाद गासिया द नारोनहा 1538, दबन सॉल्सेट और मुंबई सेंट थॉमस मद्रास हुगली में पुर्तगाली केंद्रों की स्थापना, सीलोन श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगालियों का अधिकार, 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार, इनके पास 50 दुर्ग और 100 जहाजों का बेड़ा था जो कि पुर्तगालियों के अधीन आ गया। अब आते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक यहीं तक है। तो 1600 ईस्वी में इसके बाद अन्य यूरोपीय कंपनियों का हिंद महासागर में आना हुआ, जिससे उनका पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, जिनसे पुर्तगालियों को हानि हुई। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के अधीन हो गया, महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, जिसका प्रभाव उनके भारतीय राज्यों पर भी पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों की अनेक सैनिक पराजय हुई, 1596 में डचों ने इन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से बाहर कर दिया, और डचों द्वारा 1641 में मलक्का दुर्ग, 1658 में श्रीलंका और 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को जीत लिया गया। 1612 में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों की सूरत में पराजय हुई और अंग्रेजों ने सूरत में अपने कारखाने की स्थापना की। 1622 में अंग्रेजों द्वारा फारस से सेना की सहायता से पुर्तगालियों के हुरमुज में पराजय हो गई, पुर्तगालियों को हुरमुज में हरा दिया। इसके पश्चात हुरमुज भी पुर्तगालियों के हाथ जाता रहा। 1632 में शाहजहां के सिपे सालार कासिम खां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया, और 1639 में मराठों ने इनसे सॉल्सेट और बेसिन छीन लिए। 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया, जो कि महत्वपूर्ण द्वीप था अंतिम। उसके बाद पुर्तगालियों का पतन, भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण नीति, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगालियों का अधिग्रहण, विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार, डचों व अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय, मराठों से संघर्ष आदि, इन सभी कारणों से पुर्तगाल राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। इनकी कई पराजय हुई और इनके अधिकृत क्षेत्र इनसे छिनते चले गए, इनके अधिकार बना रहे, और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आखिरी महत्वपूर्ण द्वीप बंबई, जो कि ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करने पर पुर्तगाली द्वारा अंग्रेजों को या ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। यद्यपि और इसके पश्चात कुछ ही द्वीपों पर अंग्रेजों का यह पुर्तगालियों का शासन रह गया और एक शक्ति के रूप में इनका अंत हो गया। कुछ ही द्वीप पर इनका शासन लगातार चलता रहा, जो कि 1961 तक ये राज्य करते रहे। गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली शासन 1961 तक शासन करते रहे। बाद में विदेश नीति और कूटनीति के द्वारा इन राज्यों को भारत में मिला लिया गया। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको पुर्तगाली शासकों के बारे में, अल्बुकर्क के बाद के शासकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो अगले वीडियो में मैं आपको पुर्तगाली राज्य के भारत पर प्रभाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।